डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर, अभी हम जिस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी एक अयूबिया ही की दूसरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसको मोटो टनल कहते हैं। डियर व्यूवर्स, ये इतनी ज़्यादा दूर नहीं है अयूबिया की जो मेन पिकनिक पॉइंट है, जो मेन मार्केट समझ लें या मेन होटलिंग वाला एरिया है, रेस्ट एरिया है। ये तकरीबन उससे चंद सौ मीटर की दूरी पर वाक़ है और पैदल डिस्टेंस वॉक पे वाक़ है। व्यूवर्स, इसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूं, तो इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 1891 में कंस्ट्रक्ट की गई थी और ये भी ब्रिटिश दौर में ये यहाँ बनाई गई थी। इसका मकसद तो सिर्फ शॉर्ट रास्ता जो अयूबिया भी है, पुराना नाम इसका घोड़ा डाका था, मेन मकसद इसका आबादी को आपस में मिलाना था या आमदोरफ्त के लिए आसान रास्ते का काम था इसका। अभी तो खैर इसके ऊपर एक रोड बन गया है, पुराने दौर में शायद इधर रोड ना हो तो जो उधर वाली आबादी है पहाड़ी के उस साइड पे, और इधर वाली जो आबादी थी खानसपुर वाला जो दूसरी साइड पे है, खानसपुर है, तो इसको आपस में मिलाने के लिए ये इस्तेमाल होती होगी। तो ये नाजरीन तकरीबन कुछ अरसा नहीं, काफ़ी अरसा तक ये बंद रही है, इसमें मिट्टी वगैरह भर गई थी और गारबेज वगैरह, और इसकी सफाई ना होने की वजह से ये ब्लॉक हो गई थी। फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है केपीके का, उसने 2020 में एक बड़ी अच्छी स्ट्रगल की है, इस पर वर्क किया इस पर, और इसको दोबारा से रेनोवेट किया और इसकी बहाली पे काम किया और इस तरह इसको फिर दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बनाया, और ये फिर एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बन गया। इसके अंदर लाइटिंग शेटिंग उन्होंने कर दी, जिससे इसकी लुक और भी मज़ीद अच्छी होगी। नाजरीन, बताता चलूँ, इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 4 फुट है और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 6 फुट है, और ये टोटल 250 से 300 फुट लंबी टनल है, और इसको बड़े अच्छे तरीके से, और जिसको मेहराब वगैरह बोलते हैं उसकी शेप में बनाया गया है उस वक़्त के दौर में, यानी इसमें सेफ्टी का ख्याल काफ़ी रखा गया है। गो के एक दो जगह से ये थोड़ी सी डैमेज हुई हुई है, लेकिन जैसे कि अभी आपको नज़र आ रही है, ये देखें कहीं कहीं से ये थोड़ी सी डैमेज है, लेकिन ज़्यादातर ये ना सेफ़ है, लेकिन इस जगह पर भी अभी इसको सेफ़ बनाया गया है ताकि टूरिस्ट वगैरह को कोई ख़तरा ना हो, वो सेफली इसका विज़िट कर सकें और इसमें आ जा सकें। तो ये एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन अच्छा है, काफ़ी रश होता है यहाँ पर, लोग आते हैं, क्योंकि ये अयूबिया नेशनल पार्क की जो मेन मार्केट है या मेन जो स्टाप है उसका, उसके बिल्कुल करीब है, चंद सौ मीटर के फासले पर है। आप वॉकिंग करके 5 से 8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट में यहाँ इजीली पहुँच सकते हैं और इसका विज़िट आप कर सकते हैं। इसकी जो पाकिस्तानी नेशनल हैं उनके लिए 20 रुपये टिकट है, और जो फॉरनर वगैरह आते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं, उनके लिए 500 रुपये टिकट मुख्तस की हुई है केपीके की तरफ से। तो नाजरीन, ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है और अच्छी जगह है, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हैं और इसको विज़िट करके, मतलब आप बाकी फिर डेस्टिनेशन जो है अयूबिया की उधर भी जा सकते हैं। ये 15-20 मिनट, आधा घंटा और मैक्सिमम 1 घंटे की आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आप इतना टाइम गुजार सकते हैं।
वैसे बैठने वगैरह के लिए इतनी कोई ख़ास जगह नहीं है यहाँ पर। लोग आते हैं, एक साइड से एंटर होते हैं, दूसरी साइड से निकल जाते हैं और फिर एक चक्कर लगा लेते हैं। एक दो चक्कर आप 5 मिनट में 10 मिनट में इसके लगा सकते हैं। बाकी डियर व्यूवर्स, आपको बताता चलूँ, अभी मैं निकलता हूँ ना इससे, तो आगे जो है आपको दिखाता हूँ मैं ये वाला एरिया। नाजरीन, इसके दोनों साइडों पे केपीके ने एक ट्रैक बनाया हुआ है, वॉकिंग ट्रैक, जिस पर आप वॉक करके, मतलब ये एक अलग से का इसका एक जंगल वाला वो सीन है, व्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छा ट्रैक है ये। इस पर भी आप वॉकिंग करके एक टनल का पूरा मतलब पहाड़ी के ऊपर से चक्कर लगा के दूसरे एंड पे आप चले जाते हैं। तो ये एक तकरीबन आधा घंटा पौने घंटे की वॉक है ये। एक घने जंगल से आपको गुजरना होता है और ग्रीनरी वगैरह और जो रास्ते में पौधे शौधे और इस तरह के फूलों शूलों वाला एरिया, घने जंगलात, घनी छाँव में से इस तरह करके, ये कच्चा ट्रैक है छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत है। लोग यहाँ पर आते हैं और इस एक्टिविटी को भी आधे पौने घंटे के लिए करते हैं। ये दो एक्टिविटीज़ आप इस जगह पर आकर कर सकते हैं। डियर नाजरीन, ये कुछ टनल के बाद पिक्चर्स लगी हुई हैं, जिसमें कुछ ये इस टनल के रिलेटेड हैं पिक्चर्स, जो कि जब बंद हो गई थी इसको दोबारा खोला गया, और ये उसकी हिस्ट्री रिलेटेड है। तो डियर नाजरीन, ये थी मेरी आज की एक शॉर्ट सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।